so people are looking into it. February 23rd, there was this panel discussion on policy perspectives, debating the road to policy consensus on crypto assets that was already held. Now, forthcoming events in the context of G20 and crypto, I'd like to mention it now. April 2023, when we'll meet during the spring meeting of the World Bank and the IMF, side events are proposed on crypto assets, even there in Washington. July 2023, FSB's paper on crypto asset regulation will be also put on the table so that when we meet in July, we'll be able to talk about it. So IMF's paper is already on board, FSB's paper is coming in July, and the synthesis paper which the governor referred to will be during our presidency in September this year. The synthesis paper also will be submitted, and which will lead towards the creation of a global policy approach on this matter. So step by step on crypto, there's enough work going on. Jai Hind dosto. तो यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने बताया, आपने वीडियो क्लिप के अंदर देख लिया कि क्रिप्टो रेगुलेशन स्टेप बाय स्टेप होगा, सीधा सीधा नहीं होगा। अभी फिलहाल फरवरी के अंदर डिस्कस हुआ है सभी लोगों से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से, आरबीआई से, सभी गवर्नर से। अब यहां पर अप्रैल महीने के अंदर मीटिंग होगा, उस मीटिंग के अंदर निर्मला सीतारमण जी भी हो सकते हैं, यहां पर आरबीआई भी हो सकते हैं, साथ साथ उसने बोला कि वर्ल्ड बैंक होगा, आईएमएफ होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड मतलब कि एफएसबी होगा, वो मीटिंग और वहां पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जुलाई महीने के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है वो पेपर यहां पर टेबल पे रखा जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद सितंबर महीने के अंदर कुछ फैसला आ सकता है, जो पॉलिसीज वगैरह है वो हमारे सामने आ सकती है, मतलब कि जुलाई महीने के अंदर रेगुलेशन हो सकता है, फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो बोर्ड है वो फ्रेमवर्क तैयार करके रखेंगे, और साथ ही साथ सितंबर महीने के अंदर 2023 के अंदर क्लियर कट यहां पर पॉलिसीज क्रिप्टो करेंसी के बारे में आ सकती है, क्योंकि एसेट है, रिस्की एसेट है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो सभी गवर्नर को सोचने के बाद इसका रेगुलेशन हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब यहां पर टाइम बता दिया है, इस साल के अंदर पूरा पूरा 2023 कंप्लीट होते होते क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशन, पॉलिसीज, नियम वगैरह सब कुछ आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल वाले आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखो, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग अच्छे से करना चाहता हो, तो एक एक्सचेंज में हर बार की तरह शेयर करता हूं, प्रमोशन नहीं है, मैं जो अच्छे खासे एक्सचेंज है वो शेयर करता ही रहता हूं, बिटगेट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हर बार वही दिखाता हूं, क्योंकि फिलहाल वो ट्रेंडिंग के अंदर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में मिल जाएगा, आलस मत करना, वहां से रजिस्टर कर लेना।